Hello, my dear friends and students. Again on this channel, this is Nabha Voice. We are looking at the pattern completion chapter number 3 for getting admission into Navodaya Vidyalaya in 6th standard. So this is entrance examinations mental ability part that we are looking, chapter 3 question. This is part 3 of the series pattern completion. Now question number 13, yahan pe dekhiye ek पूरी कंप्लीट फिगर देखेंगे यहाँ पे पार्ट पूरे स्क्वायर में, तो आपको दिखेगा इसका चेहरा, देखिए यहाँ पे ऐसा चेहरा कंप्लीट होना चाहिए तो आपको, और ये चेहरा जो है ये लाइन को लगा है, सटा है, तो देखिए ये यहाँ पे सेम होता है बाकी के जो है, इसका चेहरा ये ऊपर लगा है, इसलिए आपका ऑप्शन दिए क्वेश्चन 14 यहाँ पे एक जो सर्कल है ब्लैक डॉटेड से, मतलब ब्लैक पूरा सर्कल है, तो ऐसा सर्कल देखना है आपको और जिसकी लाइन वर्टिकल हो, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक डॉटेड सर्कल और लाइन वर्टिकल जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, डी, तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन 15 यहाँ पे देखिए, ये बहुत सिंपल इजी है इसका आंसर, आंसर फिगर डी। यहाँ पे 16 ये देखिए, 16 जो में है जो पूरे स्क्वायर में हम इसका पार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसकी जो मिरर इमेज है वो पार्ट 3 है, तो इसी तरह की जो सेकंड पार्ट है उसका मिरर इमेज पार्ट 4 में आएगा, तो इसका आंसर होगा आंसर डी, आपका आंसर डी। क्योंकि देखिए आपको सीधे तौर से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है ये तो गायब हो जाएगी ऐसे ही, यहाँ पे इसका प्लेस देखिए ये भी और ये उल्टा, इसलिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 17 यहाँ पे देखिए, ये जो फिगर है ये जो इसके भी पार्ट करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, तो यहाँ पे आप थर्ड और सेकंड पार्ट को कंपेयर करेंगे तो ये जो थर्ड पार्ट है या सेकंड पार्ट है उसको भी मतलब उसका भी सीधा सीधा क्या है ये 180 डिग्री इसका रोटेशन है, ठीक है, पार्ट 3, तो सेम वे से आपको यहाँ पे भी 180 डिग्री क्या करना है, 180 डिग्री पार्ट रोटेशन करना है पार्ट 1 का, जो आपको पार्ट 4 में मिल जाएगा, तो इसका आंसर है आंसर डी, ठीक है, आंसर डी। इसके बाद क्वेश्चन फिगर 18 देखिए, क्वेश्चन फिगर 18 एक बार, यहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट है और ये जो है ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के वाटर फिगर है, ठीक है, एक दूसरे के वाटर फिगर मतलब मिरर फिगर समझ लीजिए, मिरर इमेज है, और यहाँ पे भी इसका मिरर इमेज आएगा, इसलिए इसका आंसर बी, बाकी के ऑप्शन नहीं लगेगी, चूज ही नहीं होगी। क्वेश्चन 19 यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन 19 में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट है उसको देख लेते हैं ये, और इसको भी पार्ट में हम डिवाइड करेंगे 1 2 3 4, तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट की जो है वो क्या है, सेकंड पार्ट 80 डिग्री रोटेशन में घुमा है और यहाँ पे थर्ड पार्ट मिलता है, तो इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट को भी हम 80 डिग्री रोटेशन में घुमाएंगे तो आपको फोर्थ पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट फिर क्या आएगा, 80 डिग्री में घुमाएंगे तो यहाँ पे ये जो है ये वाला जो ब्लैक डॉटेड मतलब एक सर्कल का एक पार्ट है वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, और इसको देख लेते हैं ये जो है ऊपर वाला हिस्सा तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ऐसा कहाँ पे है, ऐसा ब्लैक डॉटेड नीचे वाला सर्कल सी पे है, बाकी के ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं, एक तारा नुमा एक स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट फिगर है, तो यहाँ पे एक पार्ट उस फिगर का मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसा कहाँ पे है सर्कल कंप्लीट, यहाँ पे दिया ही नहीं है, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, और जो है यहाँ पे इस गलत तरीके से यहाँ पे दिखाया है, जो यहाँ पे इसका तारानुमा का ये लाइन नहीं आती है, ठीक है, और बी में जो है इस तारे को दिखाए लाइन, तो ऑप्शन डी, जिसके जिसके तारे आपको सीधे आपको देखने को मिलेगी इस प्रकार से, ऑप्शन डी, और यहाँ से ये ऐसा सीधा निकल रहा है और ये ऐसा घूम रहा है। नाउ 21 क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन फिगर दिया है, यहाँ पे आपको ये पंखुड़ी है और पंखुड़ी के बाहर एक सर्कल है, तो सर्कल ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे उल्टा सर्कल दिखाया है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कौन सी साइड कहाँ पे आएगी, ये जो स्ट्रक्चर देखिए
ये जो स्ट्रक्चर है ये सर्कल, ये वाला जो ब्लैक शेडेड सर्कल, सर्कल पंखुड़ी का पार्ट जो है वो इस पार्ट में जाने के बाद मतलब ऐसा घूमता है, ठीक है, 90 डिग्री घूम रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री घूम रहा है, तो ये ब्लैक शेडेड यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये ब्लैक शेडेड वाला घूमी यहाँ पे है, ठीक है, ब्लैक शेड ये तो नहीं आएगा, यहाँ पे डबल ब्लैक शेडेड है, ठीक है, इसलिए आपका आंसर बी, ठीक है। उसके बाद ये तो वेरी सिंपल है, आंसर ए, ठीक है, ये भी वेरी सिंपल है। देखिए यहाँ पे ऐसा पोर्शन दिखा है, तो यहाँ पे जो भी है तो ये वाला शेडेड ग्रे शेडेड पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे दिखाई, यहाँ पे अब लाइन देख लेते हैं, ये जो लाइन है इसके बिल्कुल मिरर इमेज जो है, ये लाइन ही वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दिखा है, तो इसलिए ये तो ऑप्शन नहीं आएगा बच्चा, आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 24 में देख लीजिए, 24 में जो है यहाँ से एक लाइन निकलती है और यहाँ पे ऐसे घूमती है, तो ऐसी फिगर देख लीजिए, यहाँ पे सी में है, यहाँ पे उल्टा दिए, यहाँ पे उल्टा दिखे, यहाँ पे ये लाइन जो है उधर से दिखाई दिखे, इस कॉर्नर से निकली, इसलिए ये आंसर, ठीक है, बाकी ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में देख लीजिए, क्वेश्चन फिगर में जो पहला शेडेड सर्कल है मतलब ग्रे शेडेड सर्कल का जो हाफ हाफ सर्कल का थोड़ा सा पार्ट है वो पहले है, इसलिए तो पहली बार इधर से ये तो गलत तरीके से दिखा है, मतलब गलत रोटेशन दिखा है, यहाँ पे सिर्फ सी ही जो पार्ट है जो सही ढंग से दिखा है, इसलिए ये आपका आंसर। यहाँ पे एक कंप्लीट स्क्वायर में, एक पूरे स्क्वायर में एक लीफ का फिगर दिखाया है, कंप्लीट फिगर, और एक पार्ट इसका मिसिंग है, तो यहाँ पे एक ऐसा और एक ऐसा आना चाहिए, तो ऐसी फिगर बी में मिलती है। 27 देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे पार्ट 1, 2, 3, 4, पार्ट वन वन का जो है अपोजिट, ठीक है, पार्ट वन का अपोजिट क्या आ जाएगा, यहाँ पे पार्ट 3 का अपोजिट पार्ट 4 में आ जाएगा, मतलब सेम है, अंदर क्या है एक कंप्लीट फिगर है, इसलिए ये ऐसी कंप्लीशन हो सक मतलब होना ही चाहिए। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल आ जाएगा, ट्रायंगल नुमा ऐसा, तो ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे ट्रायंगल कहाँ पे, यहाँ पे ट्रायंगल है और यहाँ पे ट्रायंगल है, बाकी दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगी, तो यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल है, लेकिन इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, तो फर्स्ट में देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ पे नहीं है, इसलिए या तो डी आपका ऑप्शन जो करेक्ट आंसर फिगर यहाँ पे फिट होती है। उसके बाद 28 भी देख लेते हैं, 28 देखिए ये जो है पार्ट 1, 2, 3 और 4, ये देखिए जो पार्ट 3, 2 है उसका जो वाटर इमेज है वो पार्ट 3 आता है, तो इसी तरीके से जो पार्ट 1 है इसका वाटर इमेज यहाँ पे आएगा 4 पे, 4 इस पार्ट में, तो इसका आंसर क्या है, आंसर डी, बाकी ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, ये थोड़ा सा आपको 2018 में आया था ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, कॉम्प्लेक्स लगे, इसमें थोड़ा सा आप डाउट्स मतलब हो जाएगा आपको, या आपको डाउट्स लगेगा कि इसको मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ये थोड़ा सा हमें इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री देखिए, इस जो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में इस एंगल की डिग्री देखिए, इस एंगल की डिग्री, और बाकी इस आंसर फिगर में भी बाकी जो एंगल है उनकी डिग्री देखिए, ठीक है, इनकी डिग्री ये ए सी डी, इनकी डिग्री इस एंगल से मैच नहीं होती, और बी की डिग्री देखिए, इस बी की डिग्री इस एंगल से मैच होती है, और इसको ऐसे नीचे से एक लाइन मतलब ड्रॉ कर ले तो हो सकता है कि इसका बिल्कुल सेम आ जाए, तो इसलिए बी हमारा ऑप्शन। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो डाउट्स क्लियर आपका हो गया होगा कि अगर ऐसी कुछ क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से आपको डील करना है कि उनकी डिग्री देखना है, कोई भी एंगल की डिग्री देखना है, और उस एंगल क्वेश्चन फिगर में आंसर फिगर के एंगल्स मैच होती है या नहीं, ठीक है। 30 क्वेश्चन 30 फिगर यहाँ पे देख लीजिए, ये पार्ट 1, 2, 3, 4, यहाँ पे पार्ट 1 जो है वो एम्प्टी है, आपको फिट फिक्स करना है इसमें से, तो पार्ट 2 जो है बिल्कुल इसकी क्या है, इसकी ये बिल्कुल इसकी मिरर इमेज दिखाई दी है, ठीक है, तो ये जो है इसकी मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, तो आपको इसकी भी उल्टी इमेज यहाँ पे पार्ट 4 की उल्टी इमेज पार्ट 1 में आ जाएगी, तो इसका आंसर एक ही यहाँ पे दिया है, ये सी, बाकी ये उसके समान है लेकिन ये गलत तरीके से, गलत रोटेशन, गलत डायरेक्शन में दिखाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे देखिए ये तो बिल्कुल आसान है, यहाँ पे ये बीच में स्क्वेयर है, स्क्वेयर के लिए ये लाइन आनी चाहिए, यहाँ पे लाइन है, ठीक है, और अंदर कुछ लाइन नहीं, इसलिए ये ऐसे ही एलिमिनेट होता है, ठीक है, इसका लाइन गलत तरीके से दिखाया है, यहाँ पे दिखाया है सही तरीके से, ठीक है, डी डी में, ठीक
है, बाकी बाकी जगह पे देखिए ये ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। क्वेश्चन फिगर 32, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, देखिए फिर भी हम इसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। क्या है इसमें, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पार्ट वन है, पार्ट टू है, पार्ट थ्री है, पार्ट फोर है। यहाँ पे देखिए ये जो है पार्ट वन जो है, पार्ट वन में वही सिंबल्स और साइंस, वही साइंस है, ठीक है, वही साइन है, वही चिन्ह है, और पार्ट वन में जो चिन्ह है उनके अदला बदली पार्ट टू में हुई है। देखिए जैसे कि ये क्रॉस है तो ये डॉट ब्लैक डॉट से मतलब इंटरचेंज हो गया, उन्होंने प्लस ए अपने एक दूसरे का इंटरचेंज किया, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी इसका ये जो प्लस वाला है नीचे आ जाएगा, ये प्लस वाला नीचे, ऊपर दो सर्कल और बीच में लाइन, तो ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन डी में दिखता, ठीक है। क्वेश्चन फिगर 33, इसमें ये तो बहुत इजी और आसान है, ठीक है, नीचे सर्कल और स्क्वायर देख लीजिए, नीचे सर्कल और स्क्वायर, एम्प्टी वाला सर्कल, एम्प्टी स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है और बाकी कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। चलिए ये आपका आंसर। क्वेश्चन 34, ये भी बहुत इजी है, देखिए ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, ये यहाँ पे भी एक लाइन निकलेगी जो इधर जाएगी, ठीक है, ऐसी लाइन निकलेगी जो कि इधर जाएगी, जो सिर्फ सी में दिखाया है, ठीक है, सी में दिखाया है, बाकी जगह पे नहीं दिखाया है, बस आपका आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन फिगर 35, इसमें देख लेते हैं, पार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4 पार्ट, ठीक है, तो जो सेकंड पार्ट है वो थर्ड पार्ट के उसकी बिल्कुल अपोजिट इमेज है, ठीक है, इसका अपोजिट थर्ड में आया, तो इसी तरीके से फोर्थ का अपोजिट फर्स्ट पार्ट में आएगा, क्या आएगा फिर, इधर ऐसी लाइन और ये जो सर्कल है हाफ सर्कल का एक हिस्सा, और इस तरीके से आ जाएगा ये जो है, तो इस यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से, तो ऐसी कौन सी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पे दिखाई दी है, मतलब दिख रही है आपको ये ऐसी जो पोर्शन है वो आपको यहाँ पे ए में है, लेकिन ये जो ट्रायंगल है इसकी साइज देखिए बड़ी साइज है, इसलिए ऐसी एलिमेंट सी, तो ऐसी एलिमिनेट हो जाता है। अब बचे बी और डी, बी और डी में देखिए, डी में जो है लाइन वो पूरी नहीं कंप्लीट है, इसलिए बी डी आउट, और बी आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन फिगर 36 देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे देखिए दो सर्कल है, हाफ सर्कल है, यहाँ पे भी दो हाफ सर्कल है, देखिए बिल्कुल क्वेश्चन फिगर का एक स्क्वायर में पार्ट 1, 2, 3 और 4 जो वन है वो बिल्कुल वन में, वन जो है टू है जो वन के अपोजिट है, उसी तरीके से सेम पार्ट में आएगी, यहाँ पे आपका आंसर बी, आंसर बी। नाउ क्वेश्चन फिगर 37, यहाँ पे देखिए ये जो है वन पार्ट टू पार्ट एक दूसरे के अपोजिट है, उसी तरीके से पार्ट थ्री और पार्ट फोर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये भी अपने एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मिरर इमेज हो जाएंगे, ठीक है, तो मिरर इमेज यहाँ पे कहाँ पे दिखाई देती है, ये ऐसे, तो ये जो है सी, सी आपका करेक्ट आंसर। नाउ देखिए ये देखिए क्वेश्चन फिगर 38, क्वेश्चन फिगर 38 में एक पूरा स्क्वायर है, जो एक स्क्वायर एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल मिसिंग है, ट्रायंगल देख लीजिए यहाँ पे सी, यहाँ पे देख लीजिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। क्वेश्चन 39 आपको देखिए क्यों कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे डॉट्स हैं और कुछ वर्टिकल लाइन्स है, हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, देखिए इसमें भी हम पार्ट कर लेते हैं, वन पार्ट, टू पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट, इसमें देखिए फर्स्ट और थर्ड पार्ट को हम कंपैरिजन करेंगे और इस प्रकार से सेकंड और फोर्थ पार्ट को कंपेयर करके फोर्थ वाला जो हिस्सा है पार्ट है उसको निकालेंगे आंसर फिगर में से। यहाँ पे देखिए 1, 2 और यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, तो इस तरीके से देखिए टू जो हॉरिजॉन्टल लास्ट वाली मतलब टॉप एंड बॉटम वाली टू हॉरिजॉन्टल लाइन्स और डॉट्स को भी निकाल लेंगे तो हमें ये वाला मिलेगा, तो इसी तरीके से क्वेश्चन फिगर के पार्ट टू में से ऊपर वाली टॉप वाली और जो बॉटम वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन और उसमें के जो डॉट्स है वो निकाल देंगे, तो बीच में हमें ये वाले 1, 2, 3, 4 डॉट्स और 1, 2, 3 लाइंस मिलेंगी, सो यहाँ पे आंसर फिगर में ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4 डॉट्स और 1, 2, 3 लाइंस, ठीक है। क्वेश्चन फिगर 40 बहुत आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे आप देख सकते मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस एंड डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस एंड डिवीजन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, तो इस प्रकार से आप छुड़ा सकते हैं, इसमें कुछ ये नहीं है। क्वेश्चन फिगर 41, यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट करना है, क्या है पैटर्न देखिए यहाँ पे उल्टा दिखाया है, यहाँ पे इस तरीके से इस डायरेक्शन में दी गई, तो बी और डी तो ऐसे ही गए, अब देखना है कि जो ट्रायंगल है ए और बी, ए और सी में बचे, ठीक है, दोनों सेम दिख रहे हैं हमको, है ना, दोनों सेम दिख रहे हैं, तो लेकिन इसमें भी कुछ थोड़ी सी ये है,
क्या है देख लेते हैं। इसमें जो है इसको दिखाने का तरीका देखिए ये, और ए में और सी में भी देख लेते हैं। ए में सीधी लाइन है, इसमें वर्टिकल, इसलिए सी आपका आंसर। इसमें इस ऐसी छोटी सी माइक्रो माइक्रो जो होती है डिजाइन में कुछ बदलाव होते हैं, वही आपको देखना पड़ता है।